गाइज गुड आफ्टरनून प्रेस द लॉर्ड नमस्कार सलाम वालेकुम। साथी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छा होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज ही आफ्टरनून हो गया है, अभी मिल रहा हूँ क्योंकि इतना सारा कपड़ा पड़ा था, ये क्लीन करके मैं अभी नहा धो के क्लीन करके अभी आया हूँ, इसलिए आफ्टरनून हो गया है। 12 o'clock कवर पार हो गया है, 1 o'clock शायद होगा। मैं चावल बैठा दिया हूँ गैस के ऊपर, पहले उसको धूप तो नहीं है फिर भी डाल देती हूँ क्योंकि कल आज सैटरडे, कल संडे, परसों श्रीभाली श्रीलेखा दोनों का कपड़ा सूखेगा तो वो पहन के जाएंगे, क्योंकि श्रीभाली उनका स्कर्ट स्कूल में भूल के आ गया है, 1 skirt बचा है जो अभी मैं क्लीन करके दे रहा हूँ धूप में, तो ये सूखेगा नहीं सूखेगा मेरे को मालूम नहीं, फिर भी अभी देखिए ये डाल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। देखिए वाइफ का कितना काम है, मैं आज ड्यूटी सुबह का टाइम में नहीं था, अभी दोपहर को होगा, हम लोग का ऐसा ही चल रहा है, बाकी देखते हैं क्या मिलता है आज, काम उतना काम नहीं चल रहा है, बाकी मेरा वाइफ का काम चल रहा है, मेरा काम नहीं चलने से भी मुश्किल नहीं है, वो बिजी है फुल, कपड़ा सब धो रहा है। मेरा ड्यूटी छुट्टी होने से मैं आराम करता हूँ, वाइफ का कभी आराम नहीं है, हाउस वाइफ लोग का जीवन ही ऐसा है कि ये लोग फुर्सत में अपने खुद को भी नहीं देते हैं और हमेशा बिजी में रहते हैं। आज सैटरडे है बोल के उनका ब्यूटी पार्लर छुट्टी है, श्री सारा का छुट्टी है और सैटरडे मतलब उनका स्कूल है आज, मतलब ब्यूटी पार्लर क्लास है, बाकी ये सैटरडे श्री सारा का छुट्टी है बोल के छुट्टी है। कपड़ा बहुत पड़ा था तो साफ कर दिए हैं हम लोग का उड़ीसा में, बाकी ये सब नहीं होता है, होता है कि किसका इतना सारा कपड़ा रहेगा, इतना अगर हर दिन का धोने होगा तो वॉशिंग मशीन खरीद लेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ हर किसी का घर में आप देखो नीचे में भी मतलब कपड़ा सब अपना अपना धोते हैं, यहाँ का मतलब नीचे में यहाँ बाथरूम में भी नहीं करते हैं वॉश कपड़ा, यहाँ एक तो पत्थर रखते हैं, पानी का टेप बाहर रहता है और उधर ही मतलब वो लोग पीट पीट के उसको साफ करते हैं, मतलब दूसरा सिस्टम है, यहाँ इतना पैसा वाले हैं लेकिन वॉशिंग मशीन है फिर भी, अगर ठीक से दिखाई दे रहा होगा तो शायद पता चल जाएगा, नहीं पता नहीं चल रहा है। और अभी ये महीना रबीउल्ला महीना है तो बहुत मतलब ज़्यादा ही फंक्शन टाइप का है, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, और शायद 26-27 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, 26 तारीख को शायद। देखिए नेचुरल बहुत खूबसूरत नज़ारा है, मेघ उठाया है, ये कितना खूबसूरत व्यू है, देखने से भी अच्छा रहा है। अभी घूमने का टाइम है केरला में, लेकिन आप किधर भी जाओ मज़ा आएगा, हम लोग भी प्लानिंग बना रहे हैं, लेकिन ये 15 दिन ये मतलब 26 तारीख तक थोड़ा ड्यूटी ज़्यादा हार्ड है बोल के, टाइमिंग कुछ नहीं रहता है बोल के हम लोग घूमने नहीं जा पा रहे हैं, अगर मौका मिलेगा कभी ना कभी तो ज़रूर जाएंगे, आपको अच्छा अच्छा व्यू देंगे, अगर ऐसा पूरा पहाड़ के ऊपर बहुत अच्छा अच्छा जू है, इधर पार्क है, अच्छा अच्छा ठीक है। अभी जैसा लंच बहुत अच्छा टेस्ट बनाए हैं, सब कोई खा रहे हैं एक साथ मिलके बिस्तर के ऊपर, ये है चावल और अंडा ग्रेवी, अंडा आलू मसाला कोकोनट ऑयल में बनाया हुआ है और ये करी पत्ता मिला के बनाए हैं, सारा कैसा खाता है देखिए, उसका बटकम मुर्गे खाता है और उसका दही को देखिए,
तो हम लोग का लंच ऐसा होता है। वही मंगाया है और वही नहीं खा रहा है। ये लोग सब खुद खाने जानते हैं, सब कोई खुद खाते हैं, लेकिन आज एक तो मतलब मूड आ गया कि सब खाएंगे ऐसे बैठ के साथ में। मम्मी के हाथ से बोल रहे हैं श्री सारा, तो मैं भी पार्टनर हूँ तो मैं भी पा जाता हूँ कभी कभी, मौका मिल जाता है मेरे को। तुम क्या बोलोगे श्री सारा? मम्मी आप क्या बोलोगे? बोलो, कुछ बोलना चाहोगे नहीं? उसका क्या है? फोन है तो फोन है तो सब कुछ है। कल उसका दीदी उसका स्कूल में कैसा उसको दिया? एक तमाचा। आ? क्या दिया मम्मी? तमाचा। क्यों मारे थे? वो बो रहा था। गाना मतलब खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, लेकिन वो गाते जा रहा था। बोलो हाँ। उसका मतलब गाना खत्म हो चुका है लेकिन वो गा हाँ। श्री सारा चले गए हैं नीचे खेलने के लिए, उसका पापा का ड्यूटी है वो भी चले गए हैं। और बाकी दिन में मेरे को टाइम नहीं मिलता फूल क्लीन करने के लिए, तो सैटरडे संडे में होम जो भी क्लीन करती हूँ और सारा कपड़ा जो भी एक्स्ट्रा वाला कपड़ा रहता है सब क्लीन करके सैटरडे दिन ज़्यादा करती हूँ। संडे का दिन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो ये रूम मैं आज क्लीन कर रहा हूँ। देखिए बेडरूम इतना वेस्ट है, तो ये रूम फुल क्लीन करके सैटरडे दिन करती हूँ। और सुबह टाइम नहीं मिला ज़्यादा कपड़ा था बोल के, और अभी इवनिंग में खाना पीना होने का बाद मैं ये क्लीन कर रहा हूँ। और श्री सारा भी नीचे हैं और लोग खेलने के लिए नीचे चले गए हैं, और मैं अभी तक तैयार नहीं हुआ हूँ क्योंकि काम इतना ज़्यादा है, फिर डस्ट हो जाएगा धूल, इसलिए मैं नहीं कुछ भी यूज नहीं किया हूँ। फिर ये क्लीन करने का बाद टोटल होम क्लीन करने के बाद फिर एक बार क्लीन होके फिर जो भी है करूँगी। ठीक है, मैं पहले क्लीन कर देती हूँ, नहीं तो श्री सारा जब आएंगे ये फूल परेशान करेंगे और टाइम ज़्यादा लगेगा। श्री सारा नहीं है बोल के मैं ये निकाल रहा हूँ अभी, सब निकाल के झाड़ू पोछा करके फिर रख दूँगी। ठीक है, का साफ सफाई हो गया है, देखिए फूल साफ। इधर श्री सारा का खेलना ख़त्म हो गया है, टोटल हॉल क्लीन कर दिया हूँ, किचन का भी साफ सफाई हो गया है। देखिए थोड़ा निकल रहा हूँ घर से, मैं आया हूँ अभी, ड्यूटी तो आज इतना नहीं था तो मैं आ गया हूँ। अभी जाना है वो स्टूडियो में, थोड़ा वो बुलाए हैं सर तो, और मेरा कुछ मेल आया उसको चेक करने के लिए, तो मैं निकलता हूँ। खैर कुछ हाँ कुछ कितना बजे आऊँगा कुछ मालूम नहीं है, तो अभी ब्लॉग कैसा होगा देखेंगे। ठीक है, फिर आते हैं, क्या क्या होता है देखते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है हम लोग का, मतलब जैसा कि मैं गांव से आता हूँ तो कोई टाउन पड़ता है गांव में जाने से, वैसा ही एक छोटा मतलब बड़ा ही टाउन है। तो मैं अभी आया हूँ होटल में थोड़ा लेने के लिए, पराठा बच्चा लोग के लिए।
ऑर्डर पार्सल ऑर्डर किया हुआ है, अभी मिल जाएगा। भैया हुआ पार्सल हूँ घर के लिए, और थोड़ा ले लिया हूँ पराठा चीज के लिए, बच्चा लोग के लिए। क्या मिलता है, दरवाजा खुल रहा है, अभी भी सो गया था, बच्चा लोग भी शायद सो गया। नहीं, एक जगह है, एक तो कोई ना कोई तो जगह है, जागने वाला एक क्या है बोल रहा है, पापा क्या ला के दिए। देखिए उसका नींद उड़ा, मतलब सोया ही नहीं था, मतलब उसको मालूम था कि उसका पापा कुछ ना कुछ तो लेके आए होंगे, तो देखिए कैसा हो रहा है। दीदी को बुलाऊं? दीदी को भी बुलाना था। दीदी आप आओगे कि नहीं? बड़ी दीदी, मम सुनो, रानी तुम्हें उठबो कि नहीं उठो? माँ मम्मी हेले किए खाएबो कि हेरा। देखिए मेरे प्यारी मम्मी प्यारे पापा सोया है, कि नहीं ओरिजिनल मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन सोया तो है। ऐसे उठाना पड़ता है बच्चा को, ठीक है। देखते हैं क्या क्या हो रहा है आगे, एक्साइटमेंट। माँ उठो ना, माँ उठ गया मेरा बच्चा, मेरे प्यारी बच्चा। देखिए आँख कैसा करके रख। बोला देखिए बच्चा लोग के लिए चिकन पीस बोलते हैं इसको, लेके आए हैं, और पराठा सबके लिए, 8 पराठा और चिकन पीस। मतलब क्या है ना, इधर का होटल में आप जो चावल ढूंढोगे और ऐसा, मतलब बहुत ही कम, उसका होटल हम लोग को पता नहीं, लेकिन आप ऐसा वाला होटल मैक्सिमम पाओगे। हम लोग का एरिया में क्या होता है, जो मतलब ऐसा, मतलब चावल दाल भात वाला होटल ज़्यादा पाओगे, और चिकन पराठा और मंदिर राइस या बिरयानी ये सब होटल कम पाओगे यहाँ, लेकिन वो सब होटल ज़्यादा है, और नॉर्मल होटल जो होता है वो बहुत कम रहता है। ये दिए हैं बड़ा समोसा, ऐसा बड़ा समोसा इधर कभी नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है ये सब। टाइम में डॉक्टर भी मना किए हैं, ये सब दिखा दो। ये बैग देखिए मैं लिया हूँ, क्या है, हम लोग कहीं जाने आने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है कुछ लगेज पकड़ के लेके जाने के लिए, तो इसको लिए हैं बैग। और वाइफ को एक चीज दे रहा हूँ, मतलब ये बैग ज़्यादा रेट नहीं है, 650 रुपया लिया है। हाँ अच्छा वाला लेंगे तो ये 250 रुपया लिया है एक, मतलब मैं क्या है दोनों फ़ोन कभी कभी लेके चला जाता हूँ उसको, बच्चा लोग को सोने का और परफ्यूम है वो, मतलब दिक्कत होता है बोल के अजंता का लिया हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, और एक साल का गारंटी भी है। ये मेरा घर में भी ऐसा वाला है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, ये ओवल शेप, ओवल शेप में है, ये राउंड है। मैरिज में गिफ्ट मिला, वो मैरिज में हम लोग को गिफ्ट मिला था। हाँ एक्चुअली में घर में पता नहीं चलता, इसीलिए खास करके लिए हैं। तो ब्लॉग यही इन कर रहे हैं, कल संडे है, मतलब कल भी कुछ स्पेशल होने वाला है, क्या होने वाला है कल ब्लॉग में बने रहिए, तो देखते रहिए जो हम लोग को हम लोग दिखा सकते हैं। हम लोग को घूमने का कल प्लान है कि इधर भी जाने का, तो सोच रहे हैं, बाकी सुबह को पता चलेगा, या फिर शाम रात को हम लोग क्या प्लानिंग करते हैं, दोस्त लोग का मतलब क्या हेल्प मिलता है, किधर किधर जाएंगे बोल के, तो देखते हैं कल सुबह। तो आज का ब्लॉग यहीं इन करते हैं, सबको फिर मिलेंगे नए एक ब्लॉग के साथ। और हम लोग का चैनल अच्छा लग रहा है तो आप लोग हम लोग को कमेंट कीजिए चैनल को, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए हम लोग का चैनल को, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्त लोग के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।